जैसे आप ही बाप दादा होते थे अलग डिजाइन के, वैसे हमारे भी होते थे। याद है वो स्टील के बड़े से माइक होते थे, ऐसे ऐसे जाली जाली बनी रहती थी उस पर, वो सुनाते थे भाषण तो लोगों को। और जब भी कोई नेता गलती से उल्टी सीधी बात करता था ना, तो की आवाज निकालने लग जाते थे, फिर उन्हें ऐसे टुक 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 करके ठीक करना पड़ता था। आप 2 मिनट जरा शांत रहिए, मुझे बाकी माइक से भी बात करनी है। जी आप अमित शाह के माइक हैं, आप अपना अनुभव बताइए। मुझसे कुछ कह रही हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या कह रही हो? जी मैं पूछ रही हूं कि इसके अनुभव भी मुझे ही बताने पड़ेंगे। ये बेचारा बहरा हो गया, अब भी सुना नहीं क्या मिस्टर का वो? अरे ए ओ, सफेद कपड़ा, कैमरा इधर घुमाओ। वो इसी के ऊपर तो चिल्लाए थे, इसके साथ तो बहुत बुरी बुरी हुई है। एक बार तो उन्होंने वो नहीं बोल दिया था, मोदी जी 24 घंटे सोते हैं। इसे बेचारे को पता थोड़ी था ऐसा कुछ कहेंगे, वरना म्यूट हो जाता। जनता ने सुन ली, डर से कांप गया था कि कहीं मैं कूड़े को प्यारा ना हो जाऊंगा। पर उसमें इनकी गलती कहाँ थी? हाँ पर नेता अपनी गलती थोड़ी मानते हैं, वो भी आजकल के जनता से कह देते इतने अपनी मर्जी से कही है। आपको वो माइक याद है, योगी जी ने गाली दे दी थी, उस माइक का किसी को पता नहीं है कहाँ गया, जिंदा है कि कूड़े को प्यारा हो गया। अरे योगी जी से याद आया, हमें समझ ही नहीं आया उनका माइक कौन सा था, वरना हम उनसे भी प्रोग्राम में बुला लेते। मैडम योगी जी का कोई एक माइक नहीं है, वो जहाँ माइक देखते हैं उसे अपना समझ के बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मोदी जी है ना, जहाँ कैमरा देखते हैं पोज देने लगते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने से पहले जिस माइक पे उन्होंने गप छोकी थी वो आ जाता, पर उसे कोरोना चिपट गया था, किसी ने उसका इलाज नहीं कराया कि उसे धूप में रख दे, पता नहीं बेचारा जिंदा है कि मर गया। अब मुझे ममता जी के माइक से बात करने दीजिए। जी आप कुछ कहना चाहती हैं?